सो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो कैसे हो मेरे यूट्यूब पे जाने वालों? तो सबको पता है ऐसे वैलेंटाइन वीक आने वाला है, और मेरी तरह बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि वैलेंटाइन वीक पे अपने पार्टनर को क्या गिफ्ट दें। तो मैं ये प्रॉब्लम जड़ से तो दूर नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी की अलग अलग प्रेफरेंसेज होती है। पर मोस्टली क्या लड़कियाँ पसंद करती हैं वो मैं बता सकता हूँ आपको, वो मैं शेयर कर सकता हूँ। तो चलते हैं मॉल में और आपको दिखाता हूँ कौन सा ब्रांड आप चूज़ कर सकते हो और कौन से प्रोडक्ट उनके आप चूज़ कर सकते हो, और रीज़नेबल प्राइस में होंगे वो। ये नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा चीप नहीं होंगे। तो चलते हैं, आपको दिखा के लाता हूँ। मैं आपको तीन बेस्ट ऑप्शन दिखाऊंगा जो आप ले सकते हो, या जिस जो लेने के बारे में आप सोच सकते हो। पर अगर आप यहाँ पर जा रहे हो तो आपका बजट 2000 से 5000 तक का होना चाहिए, तो आप इजीली ले सकते हो यहाँ से सामान। तो बाकी स्किप मत करना वीडियो, जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है शायद आगे जाके बन जाए। गर्लफ्रेंड ना भी बनी तो शादी तो पक्का हो ही जाएगी, अगर वो भी नहीं हुई तो फिर तो भाई तुम्हारा तो राम भरोसे ही काम चल रहा है। पर वीडियो तो देख ही लेना एंड तक। ये जो नंबर वन गिफ्ट का आइडिया है, ये मेरे लिए टॉप पे है, क्योंकि ये इतना अच्छा स्टार्टअप है ना हमारे देश के अंदर। सिल्वर बेस्ड ज्वेलरी है, सारी ज्वेलरी इनकी सिल्वर की है, पर उसके ऊपर गोल्ड और रोज गोल्ड की प्लेटिंग हुई हुई है, और इसकी गारंटी वगैरह भी देते हैं। और इतना रिजनेबल प्राइस है ना इनका, और ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है कि हर कोई गोल्ड का देना या रोज़ गोल्ड का देना कोई अफोर्ड तो करता नहीं है। पर जैसे आप सिल्वर का दोगे और उसके ऊपर कोटिंग है और वो दिखने में भी अच्छा लगता है और उसकी शाइन वगैरह ख़राब नहीं होती, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। दिखाता हूँ मैं कौन से शोरूम से आप ले सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ इस ब्रांड की, जीवा। ये अनुष्का शर्मा का वो ब्रांड है जिसको अनुष्का शर्मा प्रमोट करते हैं। और अगर आप इस ब्रांड से कुछ शॉप करें तो अनुष्का शर्मा की कुछ फेवरेट ज्वेलरीज हैं, उनका सेक्शन बनाया हुआ है जो रोज़ गोल्ड के अंदर है, तो वो काफ़ी अच्छी है दिखने में, और लड़कियों को ये मुझे उम्मीद है कि पसंद आएगा आपकी गर्लफ्रेंड्स को। देखा, मैं अपनी छोड़ो दूसरी की गर्लफ्रेंड्स का कितना ख्याल रखता हूँ। अरे हस्बैंड मटेरियल हो ना। जो थर्ड नंबर पे है वो है चुंबक स्टोर। यहाँ से हाउस को डेकोरेट करने के लिए इंटीरियर डेकोरेशन का सामान मिलता है, काफ़ी अच्छे अच्छे हैंडबैग्स मिलते हैं, टेबल मैट्स या सुंदर सुंदर पॉट्स, ऐसी चीज़ें लड़कियों को काफ़ी अच्छी लगती हैं जो वो अपने घर को डेकोरेट कर पाए, रख पाए। और ऐसी चीज़ अगर वो उनके आंखों के सामने देगी ना, क्या पता तुम्हारी याद दिलाती रहे अगर वो लॉयल हुई तो। ऐसा कम होता है आजकल, पर होता है। तो आप चुंबक स्टोर भी विजिट कर सकते हो, बहुत प्यारा प्यारा सामान मिलता है यहाँ, कप्स वगैरह भी हैं। और थर्ड ऑप्शन है बाथ एंड बॉडी वर्क्स के, बॉडी शार जेल और बॉडी लोशंस वगैरह। अगर आप इसका गिफ्ट पैक लोगे वो 2500 या 3000 तक आएगा, और काफ़ी अच्छा है ये। और ऐसी खुशबूदार चीज़ें लड़कियों को अच्छी लगती हैं। हम जैसे तो कोई भी साबुन से नहा लेते हैं, पर अगर आप ऐसी चीज़ अपनी गर्लफ्रेंड को दोगे तो उनको अच्छा लगेगा। अगर आप मेरी ये वीडियो देख के अपनी गर्लफ्रेंड्स को या अपनी बीवियों को गिफ्ट दे रहे हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि उनको अच्छा लगा या नहीं लगा, या उनके रिएक्शंस कैसे थे। मेरी तो ये उम्मीद है कि उनको अच्छा ही लगेगा, पर जैसा भी रहता है रिएक्शन आप एक बार ज़रूर बताना मुझे भी। और अगर उनको पसंद आया तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं पसंद आया तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फिर लड़कियाँ चिढ़ जाएंगी, फिर उनको मनाओ, वो टास्क बहुत मुश्किल है। एक रूठी भी लड़की को मनाना बहुत मुश्किल है भाई, बंदा हाथ खड़े कर देता है भाई, तो थोड़ा सोच समझ के। सो गाइस, घर तो आ चुका हूँ, और आपको भरे दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि सर्दियाँ जाने वाली और गर्मियाँ वापस आने वाली है। मंथली बिजली का बिल 500 से पहुँच जाएगा 2500, घर में चले गए कूलर। और वैसे ही अगर सर्दियों में आप गरीबों में दान कर सकते हो कंबल वगैरह, गर्मी में कुछ भी नहीं दान कर सकते। एसी कूलर थोड़ी ना दान करोगे, कुछ भी नहीं दान कर सकते यार, तो पुण्य भी कम हो गए, बिजली का बिल बढ़ गया भाई साहब, मुश्किल हो जाएगा तो जीना। क्या बनेगा ऊपर वाले यार, देखो लॉजिकली देखा जाए ना, बहुत ज़्यादा ठंड भी बुरी है, गर्मी तो बुरी ही है। मतलब जैसे अभी टेम्परेचर है ना कि घूम लो टी शर्ट्स में बाहर, शाम को जैकेट डालो, ऐसा मौसम ठीक है कि हाँ सुबह गर्मी रात को ठंड, पर जो ऑल ओवर गर्मी पड़ती रहती है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है। एक टाइम को अगर किसी भी तरह से सर्दी को आप फिर भी झेल लोगे रो पीट के, गर्मियाँ नहीं है, गर्मी में घूम नहीं पाएंगे यार हम। जैसे आप लोगों
मेरे जो व्यूवर्स हैं मेरे, जैसे उनमें से कोई होगे जिनकी गर्लफ्रेंड्स होगी उनको बाहर घूमना है, अब कहाँ घूम पाओगे गर्मियों में मुझे बताओ? मॉल चाहिए जाना चाहोगे या मूवीज देखोगे या कैफे में बैठोगे? कई बार घूम ही नहीं सकते, तो काफ़ी दिक्कतें हैं भाई। और सुबह से यहाँ काम चल रहा है सिर पे, इतना ठक 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 हो रही है, सोने भी नहीं दे रही है। चलो अब करता हूँ इस ब्लॉग पे ही एंड, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे और इस ब्लॉग से कुछ आइडिया मिला आपको गिफ्ट का, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, लव यू।